हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो ये नोटिफिकेशन है वो HPSSC हमीरपुर की तरफ से है। इसमें डायरेक्टर हेल्थ की तरफ से जो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड टू पोस्ट को 926 का जिसका एग्ज़ाम 12 मार्च को हुआ था, उसमें जो है कैंडिडेट्स ने कमीशन ने जो है स्क्रीनिंग टेस्ट का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। इसमें टोटल 288 कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे और उनमें से 30 कैंडिडेट्स को जो है वो डॉक्यूमेंट इवेल्यूशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया और इसके जो है इवेल्यूशन 28 जुलाई 2022 को होगी। अगर हम नेक्स्ट नोटिफिकेशन देखें तो ये भी रिजल्ट स्क्रीनिंग टेस्ट के रिजल्ट के रिगार्डिंग है। इसमें जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर पोस्ट को 931 जिसमें टोटल 3 वैकेंसीज थी। इसमें जो है टोटल 4124 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था और 1269 कैंडिडेट्स जो हैं वो अपीयर हुए थे और इनमें से 67 कैंडिडेट्स को जो है वो कमीशन ने टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया और इनका टाइपिंग स्किल टेस्ट 12 जुलाई 2022 को होगा। नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है वो भी पोस्ट को 925 क्लर्क जो है इंटरनल कोटे के लिए होती है, उसमें टोटल 18 वैकेंसी थी जिनमें जनरल अनरिजर्व की 13, SC अनरिजर्व की 4, ST अनरिजर्व की 1 वैकेंसी थी। इसमें टोटल 528 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था और 507 कैंडिडेट्स को एडमिट किया गया था और उसमें से 397 कैंडिडेट्स जो है वो अपीयर हुए थे और इन 397 में से 189 कैंडिडेट्स को टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है और इनका टाइपिंग स्किल टेस्ट जो 11 जुलाई 2022 को। नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है वो पोस्ट को 935 लेबोरेटरी असिस्टेंट जिसमें टोटल 16 वैकेंसी थी, जनरल EWS की 5, जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 2, OBC BPL की 4, SC BPL की 4 और ST वार्ड ऑफ एक्सर्विसमैन की 1 वैकेंसी थी। इसमें टोटल 517 कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे और 774 कैंडिडेट्स जो एब्सेंट थे। इसमें टोटल 48 कैंडिडेट्स को इवेल्यूशन के लिए सेलेक्ट किया गया है और इसकी इवेल्यूशन 28 जुलाई 2022 को होगी। नेक्स्ट जो है वो जो पोस्ट को 950 लाइब्रेरियन जिसमें जनरल रिजर्व की 1 पोस्ट थी, उसमें टोटल 4 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया और इसकी इवेल्यूशन भी 28 जुलाई 2022 को होगी। नेक्स्ट जो है वो ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट पोस्ट को 944, इसमें जो है कमीशन ने टोटल 1 कैंडिडेट को प्रोविजनली एडमिट किया था और उसके भी कैंडिडेट्स के इनएलिजिबल पाए गए RNP रूल्स के मुताबिक और टोटल 2 वैकेंसी जो वो जो है वेकेंट रही। ये जनरल अन स्पोर्ट्स पर्सन के लिए थी ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट पोस्ट को 944। नेक्स्ट जो है वो माइनिंग इंस्पेक्टर पोस्ट को 953, इसका जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो 13 मार्च 2022 को हुआ था और टोटल 1999 कैंडिडेट्स इसमें अपीयर हुए थे और 533 कैंडिडेट्स जो हैं वो एब्सेंट थे। इन 199 कैंडिडेट्स में से 15 कैंडिडेट्स को इवेल्यूशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया और इसके इवेल्यूशन 29 जुलाई 2022 को होगी। नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है वो इन्वेस्टिगेटर पोस्ट को 927, इसका स्क्रीनिंग टेस्ट 9 अप्रैल को हुआ था और इसमें टोटल वैकेंसी जनरल रिजर्व की 3 थी टोटल और इसमें से 1219 कैंडिडेट्स जो है इसमें अपीयर हुए थे और उनमें से 11 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया इवेल्यूशन के लिए और इवेल्यूशन जो है 29 जुलाई 2022 को होगी। नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है वो सैनिटरी इंस्पेक्टर पोस्ट कोड 937 जिसमें टोटल 7 वैकेंसी थी, जनरल अनरिजर्व की 4, जनरल EWS की 1, OBC अनरिजर्व की 1, SC अनरिजर्व की 1, इसका स्क्रीनिंग जो टेस्ट हुआ था उसमें टोटल जो है 152 कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे और इसका स्क्रीन टेस्ट 20 मार्च 2022 को हुआ था और इन 152 कैंडिडेट्स में 25 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किए गए इवेल्यूशन के लिए और इसकी इवेल्यूशन जो 29 जुलाई 2022 को होगी। नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है वो जूनियर टेक्नीशियन वीविंग मास्टर ऑफ ब्लिक इंस्ट्रक्टर जिसमें टोटल 3 वैकेंसी थी, जनरल अनरिजर्व की 1, OBC अनरिजर्व की 1 और SC अनरिजर्व की 1, इसमें टोटल 53 कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे और
145 कैंडिडेट्स एबसेंट थे, इसमें से 53 कैंडिडेट्स जो अपीयर हुए थे, उनमें से 12 कैंडिडेट्स को इवेल्यूशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया और इनकी इवेल्यूशन जो है 15 मार्क्स की 29 जुलाई 2022 को होगी। तो अगर आपने भी इनमें से कोई टेस्ट दिए तो आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। थैंक यू।